पतंगबाज बेहिस हो गए, कातिल डोर से शहरियों के गले काटने से बाज न आए। तमाम तर वार्निंग्स और नोटिसेस के बावजूद पुलिस भी खातिर ख्वाह इकदाम न कर सकी। फैसलाबाद के इकबाल डिवीजन में खूनी डोर मोटरसाइकिल सवार नौजवानों की जान ले गई। सीपीओ का नोटिस, एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया को मुअत्तल कर दिया गया। हो गए, कातिल डोर से शहरियों के गले कटने से बाज ना आए। तमाम तर वार्निंग्स और नोटिसेस के बावजूद पुलिस भी खातिर ख्वाह इकदाम ना कर सकी। फैसलाबाद इकबाल डिवीजन में खूनी डोर नौजवान की जान ले गई। मोटरसाइकिल सवार नौजवान आसिफ इशफाक मोमनाबाद नवल्टी पुल के करीब जा रहा था। नामालूम सियाने वाली कातिल डोर ने आसिफ इशफाक का गला काट दिया। अस्पताल मुंतकिल करने से पहले आसिफ इशफाक कबल मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मकतूल को मार्चरी मुंतकिल कर दिया। सीपीओ मोहम्मद अली जिया ने डोर से मोटरसाइकिल सवार की हिलाकत का नोटिस लेते हुए एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया को मुअत्तल कर दिया। बोले, पतंगबाजी के खिलाफ पर एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी अताउर रहमान का कहना है कि आसिफ नामी शहरी डिस्कोट रोड पर गले में डोर फिरने से मौके पर दम तोड़ गया। अतलाब पर एसएचओ, डीएसपी और सीपीओ खुद मौके पर पहुंचे। एसएचओ को कसूरवार ठहराते हुए सीपीओ ने एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया को मुअत्तल कर दिया। पुलिस अफसरान कहते हैं पतंगबाजों और पतंग बनाने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी है।